हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखा अरोड़ा है और मैं एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ। अक्सर लोगों से बात करने पे ये पता चलता है कि जिस कंपनी में वो काम करते हैं उनको सैलरी पैकेज के साथ इंश्योरेंस कवर भी मिला हुआ है। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप बहुत लकी हैं कि ऐसी कंपनी में आप काम करते हैं जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज का पूरा ध्यान करती है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया हुआ है। फ्रेंड्स, तब मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि क्या आपने अपनी कंपनी से शादी कर ली है क्या? तो वो हैरान होकर पूछते हैं, क्या मतलब मैडम? मैं कहती हूँ कि आजकल के टाइम में कंपनी आपको कभी भी फायर कर सकती है, या फिर बैंकरप्ट हो जाती है कंपनी, या फिर आजकल तो बहुत सी कंपनीज बंद भी हो रही हैं। तो ऐसे में क्या गारंटी है कि कंपनी आपका साथ निभाती रहेगी? कंपनी कभी भी बंद हो गई, या आपने छोड़ दी, या आपको निकाल दिया गया, आपका तो हेल्थ इंश्योरेंस वहीं खत्म, तो फिर बाकी का क्या करेंगे आप? तो अगर इन तीनों सिचुएशंस में से भगवान ना करे आपके साथ कोई सिचुएशन होती है, तो उसमें आपका जो कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस कवर था वो तो खत्म हो चुका और नई इंश्योरेंस कंपनी आपको वेटिंग पीरियड के साथ देगी कवर, और हो सकता है कवर दे ही ना, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ऐसी आ जाए जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक वगैरह होता है, उन बीमारियों को तो वैसे ही कवर नहीं करती, तो उस केस में आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि छाता बारिश आने से पहले ही ले लेना चाहिए, यानी अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना कंपनी के इंश्योरेंस कवर के साथ साथ वो भी आपको पहला एडवांटेज देता है कि कभी आप कंपनी छोड़ रहे हैं या कंपनी ने आपको निकाल दिया, दोनों ही सिचुएशंस में आपके पास इंश्योरेंस कवर ऑलरेडी तैयार है। और दूसरा मेजर एडवांटेज है कि आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए कोई भी वेटिंग पीरियड की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका होगा और आपका छाता आपके पास पहले से ही तैयार होगा। फ्रेंड्स, तीसरा बड़ा एडवांटेज है पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होने का कि मान लीजिए आपकी जॉब किसी भी वजह से छूट जाती है, कंपनी आपको निकाल देती है या आप छोड़ देते हैं, उस केस में अगर आपके पास पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस का कवर है तो आप फाइनेंशियली निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि सैलरी तो मिलनी नहीं है, ऊपर से हॉस्पिटलाइजेशन अगर हो गई तो हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, और ऐसे केस में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो कम से कम आप टेंशन फ्री रहेंगे कि अब बिल भरने की तो एटलीस्ट कोई चिंता नहीं है ना। फ्रेंड्स, चौथा बड़ा फायदा आपका पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस का है कि कंपनीज तो आपको लिमिटेड अमाउंट का ही कवर देती है, यूजुअली 3 लाख, 5 लाख या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 लाख, पर मान लीजिए हॉस्पिटलाइजेशन जो हो जाती है उसमें आपका वो लिमिटेड अमाउंट का कवर कम पड़ता है, और पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस कवर आपके पास है तो वो पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस कवर जो है आपको एक शील्ड का काम देगी, यानी कि आप पूरी तरह से तैयार होंगे अगर कोई एडिशनल बर्डन आपके ऊपर आ जाता है हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से, फाइनेंशियल बर्डन को आप टेक केयर कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आखिर में मैं यही कहूंगी कि कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस कवर के साथ साथ आप अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस कवर जरूर लें, क्योंकि हर सिचुएशन में ये आपके काम ही आएगा। और वो कहते हैं ना, हर चीज का तोड़ है, हेल्थ इंश्योरेंस का साथ बेजोड़ है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन आए। थैंक यू।